जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक बधाई। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस पावन अवसर पर ना आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिक्वेस्ट लेंगे। जो रिक्वेस्ट नेक्स्ट आई थी इन क्यू, दैट वाज रिगार्डिंग डिस्कशन ऑन अ वेरी इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम है पेप्सिनम। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी दोस्तों, पेप्सिन भी कहते हैं इसको, पेप्सिनम भी कहते हैं। आज बात करेंगे पेप्सिनम के ऊपर। इंपॉर्टेंट रहेगी चर्चा, बिकॉज दिस इज लाइक वी कैन से कुछ हद तक ना फॉरगॉटन रेमेडी, क्योंकि जो आप देखेंगे आज के वीडियो के दौरान, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है, लेकिन somehow इतना यूज नहीं हो पाया होम्योपैथी में इसका। आइए डिटेल में बात करते हैं, पेप्सिनम की बात करेंगे। व्हाट इज पेप्सिनम, क्या है ये पेप्सिन, क्या इसका रोल रहता है, क्या इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। इससे पहले ना इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने, आखिर है क्या ये पेप्सिन, इसके पीछे की स्टोरी जान ले। इन शॉर्ट बात करूंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाली डिस्कशन थोड़ी इजी हो जाएगी समझने। दोस्तों हमारे पेट में ना एंजाइम्स रिलीज होते हैं जब हम खाना खाते हैं ना, फूड व्हेन वी इंजेस्ट, जब वो स्टमक में पहुंचता है कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। कह लें कि खाना फूड जो है स्टमक में आ गया है, वो एंजाइम सिक्रीट हों और अपना रोल अदा करें। उसमें ना एक टर्म याद रखें, वी कॉल देम एंडोपेप्टाइडेज। ये एक टर्म है, कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स रहते हैं जो कि ना खाने में फूड में प्रोटीन्स जो है ना उनको ब्रेक डाउन करेंगे, सो दैट हम उसके इजीली डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज तीन तरह के रहते हैं हमारे स्टमक के अंदर, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड थर्ड इज पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है ना, इसके ऊपर चर्चा है आज की। इट इज एन एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम जो हमारा स्टमक रिलीज करता है और जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इज, जो हमारे स्टमक की, हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग है ना, उसके अंदर एक सेल्स रहते हैं एक तरह के, जिनका नाम है चीफ सेल्स। ठीक है, जो चीफ सेल्स है ना, ये रिलीज करते हैं इस एंजाइम को, लेकिन वो एक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। इसी तरह एक सेल्स रहते हैं जिनका नाम है पेराइटल सेल्स, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं हमारे पेट में। वी ऑल नो अवर स्टमक हैज एन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक HCl की वजह से वो एसिडिक रहता है। अब जब फूड रीच करता है हमारे स्टमक में, जब खाना पहुंचता है ना, तो हॉर्मोन्स बताते हैं कि फूड पहुंच गया, देन द चीफ सेल्स रिलीज पेप्सिनोजन। ठीक है, और पेराइटल सेल्स रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन है ना, वो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो है ये अपना काम करेगा, ये प्रोटीन्स को ना ब्रेक डाउन करता है फ्रॉम द मिडल, सेंटर से उसको ब्रेक करेगा, उसको तोड़ेगा, और वो इजिली हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको इजिली हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन है पेप्सिन का, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इंटू पेप्टाइड्स, राइट, यानी कि ये बेसिक डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। अब किसी कारण से अगर पेप्सिन उतना मात्रा में नहीं रिलीज हो रहा, या HCl जो है रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं रिलीज हो रही, यानी कि बिकॉज ऑफ सम इम्बैलेंस इन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये इम्बैलेंस रहता है ना, तो क्या होगा, फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, प्रोटीन्स स्पेशली यहां बात करें, प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, विच विल लीड टू सिम्टम्स ऑफ इनडाइजेशन, बदहजमी, मेडिकली वी कॉल इट डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया हम किसे कहते हैं, बदहजमी है, इनडाइजेशन है, यानी कि जो हमारा अपर एब्डोमेन है ना, यहां डिस्कम्फर्ट रहता। अब ये डिस्कम्फर्ट को भी समझे, देर विल बी बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी कहते हैं, तेजाब बहुत बनता है, देर विल बी गैस एक्यूमुलेशन, गैस बहुत बनती है, फ्लैचुलेंस हो गया, ब्लोटिंग सेंसेशन हो जाती है, पेट गुब्बारे जैसा फूल जाता है। एंड कीप इन माइंड, याद रखें, अपर एब्डोमेन में ये सब सिम्टम्स रहते हैं जो हमारा स्टमक है बेसिकली। ठीक है, उसके साथ नौजिया के सिम्टम्स रहते हैं, यानी कि मन कच्चा कच्चा सा होता है, उल्टी आने का ऐसा इच्छा होती है, राइट, और देर इज अर्ली सेशाइटी, लाइक भूख हमें लगती है, खाना थोड़ा सा खाते हैं, रज हो जाता है कि हाँ बस और नहीं खाना। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें कुल मिला के हम कहते हैं अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इनडाइजेशन, बदहजमी, डिस्पेप्सिया। ठीक है,
अब पेशेंट आता है हमारे पास, देखते हैं कि इंडाइजेशन के सिम्टम्स हैं, ये जो डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स रह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है डाइजेस्टिव एंजाइम्स में, तो हम अलग से दवा देते हैं जिसको हम कहते हैं पेप्सिनम या पेप्सिन। आइए इस दवा के बारे में जान लें, ये पेप्सिन कहाँ से प्रोक्योर की जाती है, कहाँ से ली जाती है, कैसे तैयार की जाती है। पेप्सिनम जो दवा है ना, ये जो पेप्सिन हम कहते हैं, इट इज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम, ये कहाँ से ली जाती है, अब ये डायरेक्ट पेप्सिन से ही ली जाती है। जो एंजाइम है ना, वो डायरेक्ट लिए जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जो स्टमक के इंटर लाइनिंग में से है ना, वहाँ से ली जाती है। कहाँ से ली जाएगी, फ्रॉम द स्टमक ऑफ पिग, शीप या काओ, ठीक है, इन तीन एनिमल्स की स्टमक से, ये हेल्दी टिश्यू में से ली जाती है। यह एक और टर्म सामने आती है जिसको हम कहते हैं सारकोड। सार कोड्स के ऊपर अलग से डिस्कशन करेंगे, इट्स अ वास्ट टॉपिक। होम्योपैथी में ना बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स रहती हैं, रेमेडीज रहती हैं, जिन्हें जो कि सार कोड्स की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ बेसिक इतना जान लें कि सार कोड्स वो दवाएं रहती हैं जो कि हम ना हेल्दी टिश्यू से प्रोक्योर करते हैं, सिक्रीशन से प्रोक्योर करते हैं, और जिनके अंदर ना हीलिंग पोटेंशियल रहता है, फ्रॉम अ हेल्दी टिश्यू दे आर प्रोक्योर्ड, है ना, उसको अंदर पूरा पोटेंशियल है हील करने का। और ये हम यूज करेंगे ह्यूमन बींग्स में जो दिक्कतें रहती हैं, सिम्टम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिनम की बात करेंगे अब। चलिए थोड़ा आइडिया हो गया अब हमें क्या अंडरलाइंग दिक्कत है, डिस्पेप्सिया, वहां हम पेप्सिनम दे सकते हैं। कुछ और इसका स्फीयर ऑफ एक्शन समझें, बदहजमी है, इंडाइजेशन है, जिस अपर एबडोमिनल डिस्कम्फर्ट है जो मैंने बताया आपको, और साथ में दर्द है। दर्द का फैक्टर याद रखें, अगर पेन रहता है ना इन अपर एबडोमन बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन, बदहजमी की वजह से, वहां पेप्सिनम दे सकते हैं। अच्छा, ये इनडाइजेशन की वजह से ना, अगर लूज मोशंस भी लग जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा डायरिया हो गया बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन, बदहजमी की वजह से, अगर ये टिपिकल सिम्टम रहता है, पेप्सिनम हम वहां भी दे सकते हैं। कई बार देखा गया दोस्तों बच्चों में ना आर्टिफिशियल फूड्स बहुत दिए जाते हैं, सिंथेटिक प्रिपरेशंस मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, छोटे छोटे नवजात शिशुओं को ना शुरू से आदत डाल दी जाती है, और कई केसेस में वहाँ ना अंडर नरिश्ड रहता है चाइल्ड, मरास्मस जैसी कंडीशन भी देखी गई है। इफ़ दैट इज़ अनदर कंडीशन, यहाँ भी पेप्सिनम काम करेगी और वो डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करती है, बच्चों में ना प्रॉपर नरिशमेंट पहुँचेगी, खाया पिया हजम होगा, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हॉर्मोन्स की बात चल रही थी ना, जैसे हॉर्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, उस वजह से दिक्कतें रह रही हैं। अब एक हॉर्मोन अगर इम्बैलेंस हुआ, इट अफेक्ट्स द होल बॉडी प्रोसेसेस, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल डिजीज ऑफ डायबिटीज, अगर शुगर का पेशेंट है ना, डायबिटीज मेलाइटस का दिक्कत रह रही है और वो कंट्रोल में नहीं रह रहा है, जो दवाएं चल रही हैं चलेंगी, लेकिन साथ में अगर इनडाइजेशन के सिम्टम्स रह रहे हैं, डू ऐड पेप्सिनम, पेप्सिनम वहाँ ऐड करेंगे ना तो डायबिटीज में भी मदद करती है। इसी प्रकार से गाउट जो कंडीशन रहती है, ठीक है, जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से स्मॉल जॉइंट्स में पेन रहती है, अगर वो क्रॉनिक हो गया, गाउट कंट्रोल में नहीं रह रहा, दर्द बहुत अफेक्ट करता है, साथ में बदहजमी के सिम्टम्स भी रहते हैं, तो पेप्सिनम हम वहां भी दे सकते हैं। और जब डाइजेशन की बात चल रही है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात चल रही है, अगर पैनक्रियास को लेकर भी कोई डिजीज है किसी प्रकार का, तो हम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेप्सिनम टू फास्टन द हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब यूजेज की बात करें, देखिए सारकोड्स एज सच बहुत इंपॉर्टेंट दवाई रहती है होम्योपैथी में, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को हमें नहीं मालूम कि सारकोड्स कहाँ यूज़ करने हैं, किस प्रकार से यूज़ करने हैं, क्या पोटेंसी में यूज़ करने हैं। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही यूज़ कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिनम आज की दवा, ठीक है। आइए डोजेज एंड पोटेंसी जान लें, ऑल द पोटेंसीज आर अवेलेबल, डाइल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल रहता है, 30 and 200 इज आइडियल टू बिगिन विद, और पेप्सिनम ट्रेचुरेशन टैबलेट्स में भी अवेलेबल है, 3x टैबलेट्स आर अवेलेबल, 4 गोली दिन में 2 बार दे सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा, आई थिंक कुछ बेसिक नॉलेज हमें हो गई है सारकोड्स की, स्पेशली पेप्सिनम की। सारकोड्स में और बहुत सारी दवाएं आती हैं, आई थिंक ये एक शुरुआत कर सकते हैं आज के वीडियो से, कंटिन्यू करेंगे नोसोड्स और सारकोड्स के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से, कोई और स्पेशल डिजीज या सिम्टम के बारे में आप जानना चाहते हैं, डू मैंशन इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू यू, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। अपना ख्याल रखें दोस्तों, एंजॉय करें, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार भेजें, एक लाइक तो बनता है।
जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस।